4 साल पहले मैं जलंधर में ही थी और हमारी एक एल्यूमिनाई मीट हुई स्कूल में, जो सब साथ में पढ़ते थे। हम सब ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। पिछले हफ्ते मेरा फोन बजा। मेरा बहुत ही अच्छा स्कूल का एक फ्रेंड सौरभ मुझे फोन करके कहता है, पलक कंग्रेचुलेट मी, मैं फादर बन गया। मैंने कहा अच्छा, मैं वीडियो कॉल करी हूँ, मुझे बेबी दिखा। उसने कहा बट मेरी वाइफ और बेबी तो अपने मायके गई हुई है। सो गाइज, तभी मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ। आर यू रेडी टू बी अ पेरेंट? मैंने कहा यार यही वो टाइम है, ये औरत की लाइफ का सबसे बड़ा बॉडी को ट्रॉमा मिलता है। ये टाइम एक कपल को क्लोज लेके आता है। हाँ, शादी होती है, कुछ महीनों बाद आदमी राइट अपनी जिंदगी में, औरत लेफ्ट। एक दूसरे के साथ असली टाइम ही नहीं मिलता, जिसमें कहते हैं ना हमदर्द। ये वो सच में टाइम है जो कि कपल्स को क्लोज लेके आता है। एंड जितना कंफर्ट एक औरत का अपने हस्बैंड के साथ होता है, अपने सोलमेट के साथ होता है, वो किसी के साथ नहीं होता है। और उस टाइम पे आप औरत को उसके मायके भेज देते हो। मैंने बोला सौरभ वो क्यों गई अपने मम्मी पापा के घर, पलक वहाँ पे उसकी केयर बेटर होगी। मैंने कहा आज भी तू ये चीज़ मानता है कि उसकी फैमिली वो है, क्योंकि फैमिली केयर करती है। और अगर तू मानता है उसकी फैमिली वो है, तो फ्यूचर में जब वो अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देगी तो फिर तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, उसने कहा पलक तू पागल है, तू बिल्कुल नहीं बदली, तू बिल्कुल स्कूल जैसी है। मैंने इतने सारे कपल्स को बोला ना कि यार आपने एक बच्चा ले लिया, बस अब और बच्चा मत लो। क्योंकि जैसे ही एक औरत प्रेग्नेंट होती है, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, कोई भी ये प्रिपेयर नहीं करता है कि इस बड़ी गुड न्यूज़ के साथ छोटे छोटे क्या सैक्रिफाइसेस लगेंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में इतनी भारी पड़ने लग जाती हैं कि क्योंकि औरत को कोई प्रिपेयर नहीं करता है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो मेरा टिप नंबर 1 है कि बीइंग अ पेरेंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीपलेस नाइट्स फ्रॉम फादर। जो बाप है वो बच्चे का ध्यान रखेगा। औरत ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, औरत का शरीर ट्रॉमा में है। एटलीस्ट अगले 6 महीने 7 महीने रात को बच्चे को फादर पकड़ेगा, औरत नहीं पकड़ेगी। पलक ये क्या बोल रही है? कहे मैं वही बोल रही हूँ जो मैं वेस्टर्न कंट्रीज में देख के आई हूँ। आदमी ही बच्चे को रात को संभालता है, औरत पूरी रात रेस्ट करती है। इससे क्या है, और प्यार बढ़ता है। जो मेरी दूसरी टिप है वो है पेशेंस। अब इसमें माओ का ज्यादा रोल है, पेशेंस दिखाना बच्चे के साथ। जिंदगी में जो पेशेंस है ना, यही आपको दूसरे लोगों से अलग करती है। कैसे? आपने कोई नया काम शुरू किया, आप क्या करते हो, फेल हुए, यार ये नहीं हो रहा, दूसरा काम ट्राई करते हैं। आप जिंदगी का कोई भी काम पकड़ लो, उसके अंदर आप पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस दिखाओ। गिरो उठो, गिरो उठो, बट सीधा चलते रहो, मंजिल आपको मिल जाएगी। यही बच्चे के साथ होता है। माँ खाना बना रही है, बच्चे को भूख लगी है, ट्रैंट्रम दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, उठा के चीजें मार रहा है, उस टाइम पे नहीं बेटा तुझे वेट करना है जब तक खाना रेडी नहीं हो जाता। सो इट्स सेम थिंग एज अ लर्निंग लो। परसिवेरेंस पेरेंटहुड के लिए क्या है? आजकल एक नया वर्ड आ गया, मैं अक्सर इंडिया में सुनती हूँ, माय किड इज अ पिकी ईटर। यार दुनिया का हर बच्चा पिकी ईटर होता है, आपको बस ट्राई ज्यादा करना है। कोई बात नहीं, रो रहा है रो ले, बट खानी तो आज ब्रोकली ही पड़ेगी। ठीक है, आप उसको थोड़ा टेस्टी बना सकते हो, टोमेटो सॉस के अंदर या किसी अच्छी ड्रेसिंग के साथ खिला सकते हो, बट खानी तो बेटा सब्जी ही पड़ेगी। किसी का बच्चा पिकी ईटर नहीं होता है। पिकी ईटर का मतलब बहाने हैं गाइस। मेरी सेकेंड लास्ट टिप है, आपको बाहर जाना कम पसंद आने लगेगा। जब हम बाहर जाते हैं बच्चे से पहले रेस्टोरेंट में, हमारा ये होता है यार आज मुझे घर पे किच किच नहीं करनी है, आज मुझे घर पे कुकिंग नहीं करनी है, आज मुझे किसी को सर्व नहीं करना है, आज मुझे बर्तन नहीं उठाने हैं, आज मैंने अपने लिए जीना है। बट जब आप रेस्टोरेंट्स जाते हो, रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हो जाता है। क्या चैलेंज है? टेबल के ऊपर इतना कुछ पड़ा होता है, कोई कोक ऑर्डर कर रहा है, सूखी रोटियां हैं, बच्चों को बड़ा पसंद है, हमें अचार के साथ सूखी रोटी दे दो, सूखे चावल पड़े हुए हैं, और बच्चे सोशल सेटिंग का फायदा उठाते हैं। सो रेस्टोरेंट ट्रिप्स गोना बी हार्ड। एंड जो मेरी लास्ट टिप है गाइस, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर किड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली माओ को बोल रही हूँ, थ्रू आउट योर लाइफ। एक हस्बैंड वाइफ बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, हमने घर यहाँ नहीं यहाँ बनाना है, घर ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, किचन ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ जितने डिसीजन लेने हैं सब में आपकी चलेगी, लेकिन when it comes to सोफी मेरी ही चलेगी। क्योंकि जो औरतें होती हैं वो एक स्टेप फॉरवर्ड सोच पाती हैं, हम लोग ऐसे ही बने हैं। मुझे इतना प्रोटेक्ट करना पड़ता है सोफी को, जर्मनी में परमानेंट मेड नहीं होती आपके घर पे, या दुबई में आपके घर पे परमानेंट मेड होती है।
मुझे उस मेड से भी प्रोटेक्ट करना है। मैं रोज सुबह उठ के सोफी को उठाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, ब्रश कराती हूँ, उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पे आके मैंने सोचा थैंक गॉड अब मैं 6 साल बाद इस चीज से रिटायर हो रही हूँ। जो मेरी हाउस हेल्पर है वो ऑल्सो एक नैनी थी, तो मैंने उसको समझाया ऐसे ऐसे करना है। वो पहला दिन था सोफी उठ के आई, उसने रियलाइज भी नहीं किया कि मम्मा घर पे, और मैं काम कर रही थी। मैंने कहा वाओ यार क्या लाइफ है। मैं उठ के सोफी को देखने गई, मैं डबल चेक जरूर करती हूँ, सोफी अपने नाइट सूट में बैठी है, उसने ब्रश नहीं किया है, मॉर्निंग में हाइड एंड सीक खा रही है। फिर मैंने अपने आप को मनाया कि ये जो मेरी फाइट है सोफी को एक अच्छी हैबिट्स देना, ये अभी लंबे चलने वाली है। सो गाइज इट्स ओके, हम सबकी लाइफ ऐसी है, बट यू शुड नो वॉट इट टेक्स टू बी पेरेंट। एंड अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, डू नॉट कंसीव। बच्चा गुड न्यूज़ नहीं होता है, बच्चा एक जिंदगी होता है। बच्चा वो होता है जिसकी आपने नींव रखनी होती है, जिसके ऊपर बाद में एक पेड़ उगता है। एक वेल मैनर्ड रिस्पॉन्सिबल एम्पथेटिक पर्सन आप बनाते हो वो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे बताओ आप क्या चैलेंजेस एज अ मदर और एज अ पेरेंट फेस कर रहे हो। मे बी आई नो द आंसर एंड आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन इट। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।